देखिए हमारा वार वेंडर सब अभी वेंडर बांध रहा है, वो भी शेयर वाल का। तो क्या है कि कभी कभी रिस्क का भी काम उठाना पड़ता है। तो अभी ये हम लोकल काम में आए हैं, तो लोकल काम में ये है कि सेफ्टी का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। कैसे भी अपन खड़ा हो के काम करो, फोल्डिंग पे पैर दो, चाहे आप हवा में काम करो, लेकिन काम करना ही पड़ेगा। हाँ, तो लोकल काम में ये है। और जापानी जोन में ये रहता है कि काम थोड़ा सा भी हो लेकिन वो सेफ्टी बेल्ट लगा के और पूरा सुरक्षित के साथ, मतलब हेलमेट, जैकेट, जूता, हैंड ग्लव्स, ये सब सब लगा के करना पड़ता है। और इधर जो है, मतलब ये लोकल काम में ये देखिए कैसे काम कर रहे हैं। आप भी देख ही रहे हैं कि एक आदमी वहाँ पर लटका है, दो आदमी ऊपर में चढ़ा है, एक और चढ़ ही रहा है। ये देखो इस तरह से हमारा लोकल काम करता है। लोकल काम में चलता ही इस तरह से है, तो सब करेगा तो आपको भी करना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो दुर्गत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब, मैं यही कहूँगा कि सिविल लाइन का काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। और मैं बोल भी दिया हूँ कि आपको सिविल लाइन का हर एक जानकारी दूँगा कि हर चीज़, मतलब किस तरह से, जैसे जाल पर आप बैठे हैं तो किधर से बांध लगाना चाहिए, कौन सा हमारा सही है, उस तरह से आपको बैठना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम बताएंगे। जैसे आप चेयर कैसे लगाओगे, डबल जाली करोगे, तो वो भी मैं बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। अभी मैं समझो कि उदाहरण बता रहा हूं। तो उदाहरण जब तक आप नहीं समझिएगा, जब तक आप हकीकत नहीं समझिएगा, एक ही बार आप हकीकत अगर समझने लगोगे तो ऐसे में आप सीखोगे नहीं। तो फिलहाल मैं ये आपको वीडियो इसलिए मैं अपलोड करता हूँ कि आप पहले ये सैंपल सा देखो, इसके बाद मैं खुद आके और इसको मैं बढ़िया से मैं समझाऊंगा कि मतलब कहाँ पे क्या लगना है और कौन सा चीज़ कैसे करना है। चाहे एक उदाहरण में ले लो कि अगर हम बीम बांधेंगे तो किस तरह से बांधेंगे, उसका यल कितना रहेगा, उसका रिंग का साइज क्या है, एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो हर एक चीज़ बताऊंगा, और हर चीज़ बताने के लिए हर चीज़ का रीज़न अलग अलग रहता है। तो अभी हम शेयर वाल का बेंडर पर आए हैं, तो आप शेयर वाल का बेंडर देख लो कि हमारा ड्राइंग के हिसाब से 1.75 मीटर तक 100 का सेंटर है। हमारा रिंग, फर्लिकेट सब कुछ है, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है, वो भी मैं दिखाऊंगा जूम करके। फिलहाल मैं वैसे उदाहरण के लिए मैं ये वीडियो अपलोड किया हूँ, तो इसीलिए मैं उदाहरण में बता रहा हूँ। तो 200 के इसके बाद 1.75 मीटर के बाद 200 के स्पेस पर ये देखिए आपको दिख भी रहा है यहाँ से कि 200 के स्पेस पर। तो इस तरह से काम चलता है। मैं अगले वाले वीडियो में और भी हकीकत रूप से दिखाऊँगा।